We were doing in the last class, we were doing theorem number 10.6. The result of that theorem is equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. And the converse of this statement is also there. Chords equidistant from the center are equal in length. Chords equidistant from the center are equal in length. You will write the statement of both the theorems in your FAIR notebook. We will not do the proof, but I have discussed the proof in short with you, but that is just for the understanding part. You will only learn the statement because we are going to apply these results in the questions. Got it? Now, let's start with question number one of exercise 10.4. Yes, listen to me. I'm discussing the first question. There are two ways to solve this question number one. ठीक है, यहाँ देखो आप, मैं आपको दोनों ही वे बता देती हूँ, आपको जो बेटर लगे आप वो वाला वे कर सकते हो फॉलो. देखो इधर, पहले सुन लो उसके बाद देखते हैं, आपने जो बेटर लगेगा आप लिख लेना. पहले ना ये देखो, यहाँ पे दो, एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है, दो सेंटर है, एक का नेम है O, एक का नेम है P. कहते हैं ये जो सर्कल है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 4 है. दो सर्कल हैं, दोनों के जो सेंटर का डिफरेंस है, लेंथ है, दैट इज 4. इस सेंटर को लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी जिसका रेडियस है 5. आप समझ रहे हो, एक्चुअली ये इसका सेंटर और इसका सेंटर का जो डिफरेंस है वो 4 है, लेकिन जो फर्स्ट सर्कल बन रहा है उसका जो रेडियस है वो 5 है. मींस यहां से लेके यहां तक, एक मिनट को दोबारा बनाने के लिए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो 5 है, ये भी 5 है, लेकिन दोनों के सेंटर का जो डिफरेंस है वो 4 है. अब आपने क्या करना है, एक और यहां से सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 है. ठीक है, अब जो रेडियस 3 है इसका मतलब वो सर्कल कहीं ऐसे पास करेगा. क्लियर है, क्योंकि ये यहां से लेके ये टोटल 4 था, लेकिन इसका रेडियस 3 है. यहां से लेके यहां तक ये रेडियस जो है ये 3 है. आप थोड़ा छोटा सा कर लो इसको, रिमूव. ठीक है, ये जो सेंटर, ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, था टोटल 4, लेकिन 3 तक आपने एक सर्कल बनाना है. अब यहां देखो, अब आपने क्या करना है, यहां पर आपने जो दो सर्कल्स हैं इनके दोनों जो सर्कल्स हैं दे आर मीटिंग ईच अदर एट द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, ये जो है ये इस तरह से कॉमन कॉर्ड से ये पास कर रहे हैं. अब आपको ये पता है यहां पर इसका रेडियस यहां से लेके यहां तक 5 है, इसका डिस्टेंस 4 है, ये जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल दैट इज 3, ये गिवन है. कैन यू सी दिस, कि ये जो 3 साइड्स हैं, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इट इज 25 एंड दिस इज 9 + 16 दैट इज अगेन 25. तो दोनों का जो पाइथागोरस थ्योरम से इनका जो आंसर आ रहा है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दे आर एग्जैक्टली सेम. व्हाट डज इट मीन, दे आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दीज 3 साइड्स आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द कॉमन वर्टेक्स एट द कॉमन कॉर्ड, सो दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब आपको याद है एक रिजल्ट किया था, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक द कॉर्ड, इट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर if it is perpendicular then it must bisect the chord. I am speaking the statement exactly from the book. The perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. So agar ye line isko perpendicular bana rahi hai, iska matlab ye isko kya kar rahi hai, bisect kar rahi hai. Agar ye 3 hai to ye bhi kya hoga 3, to total length kitni aa jayegi common chord ki, that is 6. अब देखो, ठीक है मैम.
तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो है वो 6 आ जाएगी। एक तो ये मेथड है और एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, दैट इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम 2 टाइम्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो हम ये मेथड कर लेते हैं, दैट इज मच मोर इजियर। आप फिगर ड्रॉ कर लो, ये फिगर ड्रॉ कर लो एक बार ये, फिर मैं इसके प्रूफ लिखवा देती हूँ आपको। So here you will write as, before starting this, you will write here as OP is equal to 5 centimeter. OR is equal to 4 centimeter. OPR is equal to 3 centimeter. O and R are the centers of two circles. Okay, then you will apply this. After writing this detail, you will apply Pythagoras theorem as we are getting here. Left hand side is equal to right hand side. That means it must be a राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इज इट ओके? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड, देन दिस थर्ड पार्ट। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ओ पी R is a right angled triangle. This implies angle R is equal to 90 degrees. Okay. Did you remember about the result? In the third exercise, we have done one result. The two circles intersect each other at the common chord. Then the line segment joining their center is perpendicular bisector of the common chord. You can check this result from 10.3 last question. That is a standard result. मैंने आपको बताया था, that is very very important. So this is the same result. ये दोनों का center है. The line segment joining the center is perpendicular and it must bisect the common chord. Actually जो ये point है center, ये chord के ऊपर ही coincide कर रहा है. So it doesn't make any difference. The line segment joining the center is perpendicular, then it must bisect the common chord. ठीक है? Is it okay? Now what you will write here? R lies on common chord. R lies on common chord. This implies, अब आपको यहां से क्या पता चल रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स एंड angle R is equal to 90 degree. This implies OR is bisector of PQ. This implies
OR is bisect. You can write the exact statement of question number 3 also. Instead of writing like this, you can also write in that way. The line segment joining the centers is a perpendicular bisector of the common chord. Aap wo bhi likh sakte ho. OR is a bisector of PQ. This implies R is midpoint of PQ. This implies PQ is equal to twice of PR, that is 2 into 3, that is 6 centimeters. Is it okay? Is it okay? Any doubt? Anything which is not clear to you? We have one long proof also, but I will suggest you to go for this only, because it's much more easier and it is concept based. So it can come for 1 mark also to find the length. So for 1 mark, you are not going to write all these details. You will just go for the answer in short. Question number 2. If two equal chords, मैंने आपको बताया था कल हमने रिजल्ट डिस्कस किया था, आज भी किया स्टार्टिंग में ही. Equal chords of a circle are equidistant from the center. ठीक है, and the converse is also true. If two chords are equidistant from the center, then the chords must be equal. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इस पहले इसके क्वेश्चन की फिगर समझो ध्यान से. आप इतनी बड़ी फिगर मत बनाना, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है. ये 2 कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी. आपको कहता है इफ 2 कॉर्ड्स आर देयर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर विद इन द सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड. मैम मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था, आपने जो बताया प्लीज फिर से बता दो. कुछ बताया, आप कह रहे थे कि हाँ, आप कह रहे थे कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ क्या क्या दोबारा बोलो. जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन क्या समझ में आएगा. यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे टिल टुडे. ठीक है, आई विल आस्क वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टुमारो. Okay. Now listen, this is the center of the circle. These are 2 equal chords. आपको पता है if 2 chords are equal, they are equidistant from the center. इसका मतलब अगर chords equal हैं, तो उनका center से जो distance है, वो क्या होगा? Same होगा. It must be same. Then you will use this result. Now what we are doing, we are going to draw here perpendiculars in the construction, and we have to show that the line segment of the one chord is equal to the corresponding segment of the other chord. ये जो chord हैं, ये आपस में 2 part में break कर रही हैं. ठीक है, इसको E name दे देते हैं. आपने show करना है AE equal to DE and BE is equal to CE. ये show करना है. ये जो segment divide हो रही है ना, 2 intersect हो रही हैं. आपने ये show करना है कि ये इसके equal है, ये इसके equal है. Same way में आपने ये show करना है कि ये इसके equal है और ये दिस स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू दिस. दिस यू हैव टू शो. ओके, नाउ आई हैव ड्रॉन 2 परपेंडिकुलर्स. दिस इज पी, दिस इज क्यू. वी वांट टू शो हियर दैट दीज 2 आर इक्वल, दीज 2 पार्ट्स आर इक्वल. सो ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, देन आई एम स्टार्टिंग विद द गिवन गिवन AB and CD are two equal chords of a circle with
सेंटर हो. टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ए ई इज इक्वल टू डी ई, सी ई इज इक्वल टू बी ई. दिस वी वांट टू शो कंस्ट्रक्शन. इन द कंस्ट्रक्शन व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ OP perpendicular AB, OQ perpendicular CD. We have to draw two perpendiculars here. And one more thing, you are going to join this line in the construction also. Join OE. Now, we will show these two triangles as congruent. And from that we will deduce this result, this PE is equal to EQ by CPCT. In triangle OPE and triangle OQE, OP is equal to OQ, equal chords are equidistant from center. OE is equal to OE common. And one more thing, angle P is equal to angle Q, each 90. This implies triangle OPE is congruent to OQE by RHS, right hypotenuse side. Triangles are congruent. So if triangles are congruent, can we say that PE is equal to QE by CPCT? Please note down this result. I need some space to write. Actually, the thing that is to be proved will require some space. So note down this thing. Yes, look here. Yahan dekho aap. We have showed that PE is equal to QE. Ye show kar diya aapne. Aapko ye pata hai ki AB CD equal hai given. Now we are going to use one result, perpendicular from center of a circle, perpendicular from the center of a circle, bisect the chord. अब जो हमने दो perpendicular draw किए थे, that must bisect this chord. तो half of AB, half of CD के equal हो जाएगा. AB का half क्या होगा? AP. और CD का half क्या होगा? DQ. ठीक है, यहां देखो ये फिगर थी ए बी सी डी, ये था, ये आपका परपेंडिकुलर्स थे. यहां देखो हमने शो कर दिया कि एपी और डी क्यू ये पोर्शन इसके इक्वल है. अब आपको ये पता है कि ये और ये पोर्शन इक्वल है सीपीसीटी से. अगर हम इसको इसके साथ ऐड कर दें, एपी प्लस पीई और दूसरी साइड पे डी क्यू प्लस क्यूई, तो यहां से क्या आ जाएगा एई, यहां से क्या आ जाएगा डी, इक्वल आ गए. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है. अगर आप पूरे ए बी में से इस पोर्शन को, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे वन, इसको वन दे दो, इसे टू दे दो, यहां लिख लो एड वन एंड टू, ठीक है. इस पोर्शन को वन नेम दिया है, इस पार्ट को वन नेम दिया है, इसको टू नेम दिया है, दोनों को ऐड कर दिया.
ये आपके पास है, इसको 3 दे दो। अगर आप इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 4 दे दो, सब्ट्रैक्ट 3 and 4, ठीक है। ए बी में से ए ई माइनस कर दो और सी डी में से डी ई माइनस कर दो, तो यहां क्या आ जाएगा, सी ई इज इक्वल टू बी ई, दैट इज योर अनदर पार्ट। नोट डाउन दिस थिंग, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन, अगेन द स्टेटमेंट इज सेम, यू हैव गिवन अ सर्कल, 2 इक्वल कॉर्ड्स आर देयर, ए बी सी डी एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ई, अगेन सेंटर इज गिवन, द कॉर्ड्स विच आर इक्वल इन लेंथ आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर्स। व्हाट यू हैव टू शो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स विद द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। आपने ये शो करना है कि ये एंगल्स जो हैं 1 और 2 इक्वल है। गॉट इट, दिस यू हैव टू शो। सो राइट डाउन गिवन, मेक फिगर, हरी अप। प्रूफ इज एग्जैक्टली सेम, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट एंड बाय सीपीसीटी 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ड्रॉ द फिगर, हरी अप। Starting is exactly same, given to proof. To prove is changed, construction is same. Draw the figure, then start with the given part. Today I will send you few MCQs of this chapter, that is concept based. So I hope you all will practice those. Okay, so there will be 7-8 MCQs you will do today, and if you will have any doubt we will discuss tomorrow. Write down given, AB and CD are the equal chords, AB and CD are the equal chords that intersect each other at E. AB and CD are 2 equal chords which intersect each other at E. To prove, angle 1 is equal to angle 2. Construction, draw OP perpendicular AB, OQ perpendicular CD. We have drawn 2 perpendiculars. Join OE. This construction is exactly same as the previous question. Now prove. In triangle, proof is exactly same, in triangle OPE and triangle OQE, angle P is equal to angle Q given, or you can write by construction, or you can write each 90, all are correct. OP is equal to OQ, equal chords are equidistant from centers. OE is equal to OE given. This implies triangle OPE is congruent to OQE by RHS. This implies angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. Thank you.
क्लियर टू यू ऑल.